जंगलों आ जाए। बार बार बोलता हूँ, और एक चीज जो भारत की जनता ने यूज करना सीख लिया है वो ये, मैं जो बोलता हूँ वो इमीडिएटली डाल डाल के देखती है सही बोला गलत बोला, आंकड़े तक चेक करती है। एक आंकड़ा अगर मैं यहाँ गलत बोल जाऊं और आप मान लो छाप दें तो मेरे को ट्रोल किया जाएगा, अरे क्या तू पढ़ा लिखा है, तू शिक्षक है, ये देख। तो ये इसको यूज करना भारत की जनता ने सीख लिया। तो मैं उसी जनता से पूछता हूं आप ही के माध्यम से, जो हम कहते थे इतने वर्षों तक वो आज वही बात कर, उनका और हमारे स्टैंड में अंतर ये था कि उन जब वो सत्ता में नहीं थे तो लोगों को बरगलाते थे, लोगों को भावुक बनाते थे, लोगों को ये कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये कुछ बात नहीं सुनी जाएगी, कोर्ट क्या होता है, कोर्ट कुछ नहीं है, ये हमारा मुद्दा है, हमारी भावना का मुद्दा है। अभी माननीय प्रधान आज के अखबारों में पढ़ा प्रधानमंत्री जी ने अभी अपने ही लोगों को एक चेतावनी दी है कि मुद्दे के बाद किसी तरह की अप्रिय घटना ना करे, जो भी फैसला आए उसको पूरे तरीके से माने। हम ये इतने साल तक ये बोलते रहे, तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ और इसी विश्वास के कारण कह रहा हूँ, लोग देख रहे हैं, इसी विश्वास के कारण बोल रहा हूँ कि 303 से 3 होते समय नहीं लगेगा। हम तो 217 से 52 पे आए मानता हूँ, पर आप 3 पे जाओगे क्योंकि आपने सिवाय झूठ के कुछ नहीं किया। हम तो हमेशा बोलते थे कि मनरेगा जो योजना है जिससे गरीबों के हाथ में पैसा पहुंचाया जाता है, हम तो हमेशा उसको सुदृढ़ करने की बात करते थे, पर आप हमेशा कहते थे नहीं नहीं मनरेगा बेकार, खड्डे खोदने और खड्डे भरने की योजना है, जबकि विश्व बैंक ने माना है कि आजाद हिंदुस्तान के लिए पॉवर्टी एलिवेशन की इससे बड़ी कोई स्कीम नहीं हो सकती। मैंने तो अभी 4 दिन पहले भाई साहब एक वाक्य भी बोला था कि आपको महात्मा गांधी से परेशानी है, मैं मानता हूं आपको होगी, पर इस मनरेगा के नाम से तो परेशानी, योजना से तो नहीं है ना, इसको नाथूराम गोडसे रेगा कर दो, पर लोगों को तो पैसा दो, गांधी जी के नाम से है आपको भी मुझे पता है, इसलिए आप उसका बजट आवंटन कम करते, पर आप लोगों को तो पैसा पहुंचाओ। और ये टेक्निकल विषय है, आप अगर इसको समझ पाए तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ये बात कह रहा हूं, जितने भी सरकार बजट के बाद प्रावधान ला रही इकोनॉमी को रिवाइव करने के, उसको सप्लाई साइड इंटरवेंशन कहते हैं। सप्लाई साइड इंटरवेंशन का मतलब बड़े ही सरल शब्दों में आपको बताता हूं कि ये मोबाइल मान लो 20,000 रुपए का मिलता है, तो मैं इस कंपनी को करों में छूट देके ये माल 18,000 में बाहर निकाल दूंगा, पर मेरे पास जेब में 18 होंगे तो मैं ये खरीद लूंगा। तो डिमांड इज नॉट देयर, कंजम्पशन इज नॉट देयर, तो फिर इकोनॉमी रिवाइव कैसे होगी? और न्याय स्कीम जिसको आप पानी पी पी के गाली देते थे, जिसको बनाने वालों को आज